नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे फिर से एक न्यू वीडियो पर। दोस्तों आज का वीडियो इन्फॉर्मेशन वीडियो रहने वाला है, जो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जो आप लोग का कमेंट में आया है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मेरा चैनल में प्लम्बिंग से बनी हुई वीडियो आप लोग को देखने को मिलती है और इलेक्ट्रिशियन से बनी हुई वीडियो आप लोग को देखने को मिलती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं, बहुत ऐसे हमारे सब्सक्राइबर भाई लोग कमेंट किए हैं कि बोरिंग का जो जाली हम लोग मारते हैं, केसिंग का जो होल करते हैं हम लोग, जिस बोरिंग में पानी का लेयर बहुत कम रहता है, ना के बराबर रहता है, सूखा रहता है, तो उसमें जो पानी लाने का तरीका जो हम लोग अपनाते हैं, जिस यंत्र को हम लोग यूज करते हैं, तो उस यंत्र की सहायता से बोरिंग में कितना फीट में जाली मारना चाहिए, यानी कि कैसिंग को फाड़ना चाहिए। तो आज के बारे में इस वीडियो के सहायता से कुछ जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो बने रहे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जैसा कि दोस्तों मेरे हाथ में आप लोग देख सकते हैं, ये है यंत्र जाली मारने वाला, जो आपका मुर्दा बोरवेल को जिंदा कर सकता है। ये बहुत हमारे ऐसे कमेंट में आए हैं कि आपका अगर इससे हम केसिंग फाड़ेंगे तो बोरवेल बर्बाद हो जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं भाई साहब, अगर आपका बोरिंग में पानी नहीं रहेगा तो वैसे ही आपका बर्बाद है। जिस बोरवेल में पानी ना रहे तो फिर बोरवेल किस काम का। अगर इसके सहायता से आपका बोरवेल में पानी आता है तो आपके लिए अच्छा है ना। हाँ, ये हो सकता है कि इससे आपका पानी कल जो पानी रहेगा आपका गंदा आ सकता है, जब तक आपका उस लेयर का जो रास्ता रहेगा जहां से पानी जो आता है, उस लेयर का रास्ता जब तक क्लियर ना हो, साफ ना हो, तब तक आपका गंदा आ सकता है। चाहे 2 महीना में साफ हो जाए या 4 महीना लगे या 6 महीना लगे, हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए गंदा नहीं आता है दोस्तों, ठीक है। तो इसके बारे में हमारे सब्सक्राइबर भाई साहब पूछे हैं कि इससे हम कितना फिट में जो बोरिंग को लगे कैसिंग को फाड़ेंगे, जो हमारा पानी का लेयर निकल जाए। तो सबसे पहली बात दोस्तों, ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि कितना फिट में आपको केसिंग फाड़ना चाहिए। हम लोग भी जहां भी जाते हैं केसिंग को फाड़ते हैं, तो जिसका बोरिंग रहता है उसके मालिक को, जो बोरिंग जो करवाते हैं, उनको पूछते हैं कि जब आप बोरिंग करवा रहे थे तो आपका शुरुआत में कितना फीट में पानी आपका निकला था। हो सकता है 40 फीट में निकला हो, किसी का 50 फीट में निकलता है, किसी का 80 फीट में निकलता है, किसी का 100 फीट में निकलता है, किसी का 120 फीट में भी निकलता है, किसी का 30 फीट में भी निकल जाता है। वो आपका डिपेंड करता है उस स्तर के जमीन के नीचे का भाग क्या पोजिशन है, पानी का लेयर क्या रहता है उसमें। तो वो आपको क्या होगा कि बोरिंग के मालिक को पूछना होगा। किसी किसी में क्या होता है कि पूरा सूखा निकलता है, जहां तहां गिल्ला मिट्टी आता है, गिल्ला मिट्टी भी आ जाता है तो आपका पानी निकलने का संभावना बढ़ जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए किसी हम पार्टी को पूछे, बोरिंग को मारने के लिए गए, जाली मारने के लिए गए, तो उसमें क्या होता है कि पूछते हैं कि आपका जो इसमें पानी, जब आप बोरिंग करवा रहे थे तो इसमें कुछ गिल्ला मिट्टी निकला होगा, तो पार्टी बोलते हैं हाँ भैया गिल्ला मिट्टी निकला था, कितना फीट में निकला था। जैसे पार्टी बोलेंगे 50 फीट में जाते जाते गिल्ला मिट्टी ही निकला था और उसके बाद कुछ नहीं निकला था, तो हम लोग का अंदाजा हो जाता है कि अगर जब आपका 50 फीट में गिल्ला मिट्टी निकला तो आपका पानी का लेयर 40 फीट में होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 35 से लेकर 45 तक जाली मार देते हैं, 35 में, 30 में, 45 में, तीन जगह में आप क्या करते हैं, होल कर देते हैं। तो पानी का जो लेयर रुका हुआ रहता है केसिंग पाइप के थ्रू से, वो खुल जाता है और वहां पर जो मिट्टी का अंश रहेगा, जमा हुआ रहेगा, तो गंदा पानी आएगा ही, धीरे धीरे वो मिट्टी पूरा निकलेगा, साफ हो जाएगा, चाहे 2 महीना लगे या 3 महीना लगे, हो सकता है 10 दिन में ही साफ हो जाए। वो डिपेंड करता है आपका बोरिंग किस जगह में हुआ है, मिट्टी का अंश में हुआ है या पत्थर के अंश में हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से चेक करके बोरिंग कर सकते हैं दोस्त, बोरिंग में जाली मार सकते हैं। अगर आपका 60 फीट में अगर पानी का लेयर निकला हो तो आपका 50, 55, 45 के अंदर में आपको जाली फाड़ना चाहिए। अगर आपका 100 में आया है निकला हो तो आपका 80 में 90 में आपका पानी की लेयर होगा। उसमें क्या होता है कि जब आपका जब बोरिंग होता है, मान लीजिए 40 फीट में निकलता है तो तुरंत ही पानी ऊपर नहीं फेंकता है, तो 40 से 50 होते होते पानी उसमें संघरता है बोरिंग में, बोरवेल में,
तभी पानी को पूरा ऊपर प्रेशर के थ्रू से बोरवेल वाले जो मशीन जो रहता है उसके थ्रू से पानी को निकालते हैं, तब पता चलता है यहाँ पानी आ गया, पानी आ गया। तो इस तरह का सिचुएशन रहता है बोरवेल में दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, एक हमारे और भाई हैं कि इसका ये जो है कमेंट में बोले हैं कि क्या आप इस यंत्र को बेचते हैं। भैया हम यंत्र को बेचते नहीं है, एक ही बनाए हैं, वन पीस है, ठीक है। कैसे बनाए हैं इसका वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। और इसको किस तरह से बनाए हैं, ये आपको कितना खर्चा पड़ेगा ये भी आपको बता देते हैं। जैसे कि ये हमारा जो इस यंत्र जो में जो सामान लगा हुआ है, ये जो पार्ट्स है जैक, जो जैक बोलते हैं, जो गाड़ी को उठाने में चक्का वगैरह जो कभी चेंज किया जाता है तो इसके थ्रू से उठाया जाता है, उठाने में ये काम आता है, ठीक है। तो ये गाड़ी के लिए ये जैक है, उसका पार्ट, ये फिटिंग क्या बोलते हैं टूल्स है ये। तो उसी टूल्स को क्या किए हैं हम इसमें मॉडिफाई किए हैं, जैसे कटिंग वटिंग करके इसमें नॉब टाइप का लगा दिए हैं, ये साइड और ये साइड दोनों साइड वेल्डिंग कराए हैं। फिर इसमें क्या किए हैं, एक नेपुल लगा दिए हैं, एक आरएस रेडिएटर लगा दिए हैं 1.5x1 का, फिर इसमें वेल्डिंग कर दिए हैं इस तरह से दोनों साइड से ताकि मजबूती रहे। और यहाँ पर सॉकेट लगा के बीच में देखिए ये रड सॉकेट लगा दिए हैं, जो ये रड है, शॉर्ट रड है जो लगा दिए हैं ये, ठीक है। तो ये हमारा शॉर्ट रड जो है बीच वाला जो इसमें थ्रेड वाला रड जो रहता है इसमें कनेक्टेड है, और ये जो नेपुल है सो ये ऊपर में इसमें कनेक्टेड है। यहाँ जो क्या है एक बोल्ट लगा हुआ है उसमें ये वेल्डिंग किया हुआ है, देखिए ये पूरा फ्री है और इसमें वेल्डिंग किए हैं। तो ये आपको खरीद के, हम खरीदे थे करीब हो गया, करीब मेरे ख्याल से लगता है 7-8 महीना हो गया ये सामान खरीदे हुए। तो आपको क्या है जग का प्राइस आपको डिफरेंट प्राइस में मिल जाएगा दोस्तों, एक प्राइस नहीं रहेगा। ये जो हम खरीदे थे ये करीब 450 में ये हमको मिला था, आप 650 भी खरीद सकते हैं, 1000 रुपये भी खरीद सकते हैं, 1200 रुपये भी खरीद सकते हैं, जैसा बड़ा जैसा वजन खरीदिएगा वैसा। तो हम सबसे छोटा लिए हैं, ठीक है। प्लस आपका ये नेपुल जो है ये आपका 220-230 रुपये लेगा, सॉकेट आपका 45-50 रुपये लेगा, ये रड सॉकेट आपको 150-200 रुपये के अंदर में आ जाएगा, या आरएस इसमें जो लगा हुआ है ये भी आपका 55-60 रुपये मिल जाएगा। उसके बाद आपका मिस्त्री खर्चा जो लगेगा 250 रुपये लगेगा, जैसे कि मेरा 350 रुपये मिस्त्री चार्ज लिया था वेल्डिंग करने में, सब फिटिंग करने में, ठीक है। बाकी आप जोड़ लीजिए कितना इसमें खर्चा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना था आप लोग को। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।